Welcome, ladies and gentlemen. You're watching Pakistan's biggest reality show, Miss Veet Pakistan 2017. आज हम करने वाले हैं अपना फिफ्थ चैलेंज. हमारा फिफ्थ चैलेंज क्या है? It is going to be the adventure challenge of this season. डर तो नहीं लग रहा? No. पता है क्या होने वाला है? No. आप सबके पास होंगे 20-20 मिनट. आपको एक ऊंचाई पे चढ़ना होगा, नेट से, रस्सियों की मदद से, कहीं पे स्लाइड करना होगा, कहीं गिर के जाना होगा, कहीं लड़खड़ा के जाना होगा. बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे. एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर किसी को बैकआउट करना तो कर सकती है. अभी करना है ये? चलो, अभी तो इतनी एक्साइटमेंट है, चैलेंज के बाद देखूंगा इनका क्या हाल होता है. हमारे जो आज के सेलिब्रिटी मेंटोर है, आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ही इज अ यूथ आइकॉन. ही हैज गिवन सो मेनी हिट प्रोजेक्ट्स. प्लीज वेलकम आप सबका और मेरा फेवरेट फिरोज खान. फिरोज खान पाकिस्तानी टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का न सिर्फ राइजिंग स्टार है बल्कि फ्यूचर भी. फिरोज ने अपने करियर का आगाज एज अ वीजे किया. ड्रामा सीरियल्स में यूनिक परफॉर्मेंस देने के बाद उन्होंने अपने फैंस और अपने क्रिटिक्स सबको ही भरपूर इम्प्रेस किया. फिरोज हमारी यूथ के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल है. What's up, Feroze? How are you? Very well. So, ladies and gentlemen, you're watching Miss Veet Pakistan 2017. आपकी मुलाकात होगी कंटेस्टेंट से और फिरोज से हमारे एडवेंचर पार्क में. अभी हम लोगों ने हाइक करके आई थिंक टॉप तक जाना है. उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा आज का एडवेंचर चैलेंज है क्या. तो अब पता नहीं कितना मुश्किल होगा या इजी होगा. आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशंस टू दोस हुव मेड इट. ओके, हाउ इंपॉर्टेंट इज हेल्थ एंड फिटनेस? It's essential. For you? Yeah. It is. जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीट अकेडमी जिस तरह लड़कियों को ग्रूम करते हैं वो पांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे जो फोकस करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, चार्म, कॉन्फिडेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, कम्युनिकेशन. एंड वी आर हियर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस. हमारे काम में रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रोज होती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट मोबिलिटी बैलेंस इज देयर फॉर योर बॉडी. जितना हो उसको फील करके, उसको इंजॉय करके इस सारे टास्क को करो एंड यू विल ऑल बी गुड. राइट? यस. वी आर गुड टू गो नाउ ना? यस. लाउडर. यस. लेट्स गो. सो हाउ वाज इट? मजा आया? बहुत. किस किस का हाथ पैर टूटा? पैर. इससे तो काफी ज़्यादा आपने आपको आज चोट पहुंचाई है. You were really good. Thank you. Okay, so now where we moving? Tension वहाँ पे बढ़ने वाली है. We're going back with the footage, and I'm gonna show them the preview, and one of you is gonna say goodbye right there to all of us. फिरोज, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. पहले तो ये बताया, यू वर देयर, मजा आ रहा था? ऑब्वियसली बहुत एग्जॉस्टिंग था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग ऊपर एक सर्किट पे, एक पॉइंट था, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स आ रहे थे वन बाय वन. बहुत सारे कंटेस्टेंट्स से मैं जाने से पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें सुनी उनसे, जब बात करी, किसी ने बताया शी वॉज अ ज़ूम्बा इंस्ट्रक्टर. चले, आई थिंक शुरू करते हैं. अपने कंटेस्टेंट को बुलाते. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम नाफिया. आए फिर देखते. गो. ये ज्यादा मुश्किल नहीं था नाफिया. राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Balance, easy, easy. Don't rush it. आराम आराम से, जल्दी नहीं करो इस पे.
Oh, acha. These are like swinging. Monkey, what do you call it? Monkey bars? Yeah. These are swinging ropes. Monkey this rope? Requires a lot of balance, a lot of core stamina. Work. Acha, these are also swinging bars. Yeah. Oh. Oh. This is still easy. Acha. The difficult bit is about to come in. नाफे तो उजड़ी हेलमेट यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे नाफे क्या हो रहा है हेलमेट हर जगह जा रहा है अच्छा तो हम डिसेंड हो रहे हैं पूरा Yeah, that's the one. This is tough, yeah. This is where she messed up everything. अच्छा, अब तक तो बहुत अच्छा कर रही है नाफिया. अच्छा ये है वो टोकरी ओह उसमें बैठ के जाना है दिस इज टफ एंड देयर शी गोज बैक ओह नो एंड ओनली वे या ऑल द वे नॉट ऑल द वे द लास्ट चेक पॉइंट बाय कंट्रोलिंग इट विद द राइट बैलेंस ऑब्वियसली यू नीडेड अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस Yeah. It's a slanting rope, right? It's not a straight one, right? It just needed a little push from the platform. You have to get the right push initially. Ye bhi ascending usme. Wow. Not bad, yeah. Oh. Oh wow. Yeah. इन सब में से आपका जो बैकग्राउंड है ना वो सबसे कॉम्पिटेंट है इस टास्क के लिए इस वजह से आपसे एक्सपेक्टेशन हम सबकी ये है कि यू विल बी द विनर आई एम नॉट हैप्पी विद योर टाइमिंग So I wasn't expecting this from you. You may go now. Thank you, sir. कैसा लग रहा है निम्रा कि आपको क्या फील है कि अच्छा किया है बुरा किया है मैंने अपनी एफर्ट्स तो सारी लगाई हैं पहले देखते हैं कि आपने क्या आपने किया क्या है ठीक है यस गो That's how you do it. Nice. If you need help with anything, you can ask for it. जब आगे step कर रही हो तो आगे वाली rope को भी पकड़ना बहुत जरूरी है. Oh, bad health and fitness, यार. Yeah. Zero health and fitness. And you're not confident either, Nimra. You're very scared. अच्छा यहाँ बैलेंस का मसला हो रहा है। One of them was given. अच्छा? बीच में I had to get her gloves because उसने अपने सारे हाथ छील दिए थे and she didn't want to quit. I loved her passion. She was crazy. Oh God! वो ये देखिए क्या किया आपने? सही किया। वो वहाँ से तो नहीं जा सकते। यही सबसे। Oh God! Imra! And there we go back. Oh God! Oh God! Oh God! मुझे एक जो चीज नजर आ रही है मैं अभी मैं जो नाफिया से कंपेयर कर रहा हूँ। बाकी स्पीड में एक फर्क है हाँ स्पीड और बैलेंस बैलेंस भी कॉन्फिडेंस का फर्क है अच्छा
Nimra, what was that? आपको मैं बता रहा था चीख चीख के कि देखें ऐसे करना है बैलेंस कहाँ रखना है क्या करना आपने है आपने मेंटोर की बात सुनी थी जो इन्होंने समझाया था नहीं उसको कितना फॉलो किया मैंने हर पॉइंट पे अपने माइंड में वो सब रखा था हो नहीं सकता कि आपने वो सही तरह सुना बीच में जो बास्केट रुक रही थी उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ और मैंने कम अज कम मैंने 16 मिनट्स भी पार कर लिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम कोमल शी इज सो फ्रेश Let's see. Chale, let's see your performance. Very nice. Very nice. She surprised me. Yeah. Good speed. जैसे एक step आगे रखते हो तो दूसरे भाई को पकड़ना. Nice. तो एक advantage भी है ना. वजन कम है लेकिन कुछ लोग जिनके होते हैं कम वो या तो उनका स्टैमिना नहीं होता वो गिर जाते हैं मतलब दे टू वीक ये बास्केटबॉल यस लेट्स सी नाउ दैट वाज द परफेक्ट बैलेंस नाइसली डन कोमल थैंक यू बड़ा चीटी की मानन गई हैं आप वेरी गुड मैन वेरी गुड आई एम इम्प्रेस्ड मतलब जो पेस है जो स्पीड है बैलेंस फोकस आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड मतलब आई एम सरप्राइज कि आपका कोई सच फिजिकल बैकग्राउंड नहीं है राइट एग्जैक्टली गुड जॉब थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम इस्मा देखते हैं क्या किया शुरू के तीन चार स्टेप्स बहुत इजी थे वो हाँ आई नो जस्ट टू गेट यू थ्रू दिमाग कम इस्तेमाल किया आपने इसमें You were not sure. आप figure out भी नहीं कर रहे थे ना कि यहाँ से आगे किधर जाना है ना वो दो वायर्स थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बैलेंस किस पे सही रहेगा लेकिन जब दो कदम चल लिए मैंने तो मुझे लगा मैं पीछे ही सही हूँ तो फिर मैं उसी से कंटिन्यू कर रही थी Not bad. क्या इसकी टेक्निक क्या थी इसमें बैलेंस आगे रखना था क्या करना बैलेंस आगे एच पे जिस तरह कोमल ने किया या पुश करना है एंड यू जस्ट हैव टू स्लाइड ऑल द वे देयर एंड स्टैंड ऑन द एज या बट यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस जंप ऑन इट बाय बाय वापस चली नहीं बहन पहले इतना स्लो चल रहा था सो क्लोज बेटर नो नो यू कैन डू इट यू कैन डू इट यस यू कैन डू इट इट्स डन इट्स डन इट्स डन इट्स डन सुपर्ब ओ ओ अबू इस वक्त क्या गुजर रहा था आपके जहन मुझे लग रहा था बाकी सही है मैं इसमें अटक गई थी बैलेंस नहीं हुआ था शायद सही तरह मैं गिर गई और उसमें फिर खत्म हो गया अभी तक का सबसे क्लमजी मुझे आपका लगा well, hope for the best. See you soon.
बिल्कुल जब लास्ट से एक स्विंग टाइप था कुछ उससे जाना था तो उससे मेरा बैलेंस सही नहीं हुआ, मैं वहाँ पे अटक गई, मैं नीचे गिर गई, फिर दोबारा मुझे वापस आना पड़ा और फिर मैं दोबारा वहाँ से गई और फिर यू नो स्लाइडिंग और सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? चले हम देखते, देखते हैं आप कितने पानी में। ये तो ये शुरू में ही जैसे फिरोज कह रहे थे ये तो शुरू वाला सभी अच्छा करते हैं, मुझे आगे देख रहा है कि क्या किया आपने। ये जो रोप चैलेंज है ना, आई फील इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर टॉलर पीपल। किसी के दोनों शूज ऊपर करते हैं। चलो ये अकल अकल इस्तेमाल की यहाँ पे। ये आसान नहीं था, ये बहुत से लोगों ने ब्लंडर किया है। मुझे लग रहा है वो जो शुरू में आपको बिल्कुल बिगिनिंग में थोड़ा झटका लगा है ना, दैट डिटरमाइंड द रेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस at least for the first half. And there. Oh, oh no. I think this rope got stuck in your neck. Yeah, I held it. I'm sorry, zero intelligence for that. पहले अपने आप को उस पे secure तो करो, then swing. और उससे दो दफा गिरे थे ना आप। It's gonna get harder and harder. तो ये तो आपने एक step backward ले लिया है। You were not there and you're a Zumba instructor. Zumba. See, I'm not screaming. Your core has to be strong. Thank you. I could have done better, but I lost my focus जहाँ पे मैंने अपना time को calculate करना शुरू किया। वैसे आपको कैसा लग रहा है, परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी? अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, अब आप लोग देख के बताएं कैसा है। चले देखते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी है तैयबा। डू आई सेंस मॉडेस्टी व्हिच इज नाइस। You're attacking it. Yeah, that body language, loved it. You know, जितना easy लग रहा है ये भी easy नहीं था, ये net से through करना। इसकी forward वो है? नहीं, ये forward भी है, balance और इसकी long legs helped her. ये देखा इतनी लंबी है तो हाथ नीचे ना। That's what I was saying. It's tough for them. But you're right कि core का है सारा। ये सबसे tough part लग रहा है मुझे। So, nice. She's propelling herself forward. Good show. यार ये तो हमें भी जाके करना चाहिए। One of these days. बिल्कुल बुरा लग रहा है, इसने क्या किया है यार, ये क्या किया है इसने? Confused? Nope. उस पे चढ़ना नहीं था, उस पे बैठना नहीं था, पता नहीं जो भी था यार क्या किया है।
No, at that time, मैंने contestants को बताना शुरू कर दिया था whatever works for you best. Okay, thank actually you. आपने thank जो इसको communicate किया, thank you. उन्होंने जब हमारा challenge preview किया तो उन्होंने मतलब मुझे ऐसे कोई अच्छे comments नहीं दिए. उन्होंने बस मुझे thank you बोला और उन्होंने गुस्से में कहा कि चली जाओ. तो मैं तो बहुत डर गई थी कि शायद मैं eliminate ना हो जाऊँ, मैं घर ना चली जाऊँ, क्योंकि last time भी मैं तीन दफ़ा bottom three में आ चुकी थी. तो मैं तो बहुत disappoint हो चुकी थी कि मैं शायद आगे नहीं जा सकती. अल्लाह सायरा, क्या हो गया भाई? आप खड़ी नहीं हो सकती, स्किन उतर गई है. बैठ जाओ, बैठ जाओ. ओए होए होए, क्या किया आपने अपने साथ? सर वो सडनली रोप मेरे पाँव में हो गई थी और पीछे से उसका प्रेशर लगा तो पूरी स्किन ऊपर से उतर गई. ओह गॉड. बट आई लव योर पैशन. आई मस्ट से तुम बहुत पैशनेट हो. And she told everyone, we asked her, अगर हम यहाँ पे रोक दें, she was like, I don't care, मुझे कितनी भी चोटें लगी हैं, मुझे खत्म करना है, मैं खत्म करके हार जाऊंगी, but I don't care. अच्छा मैं एक आपसे सवाल करूं, आप withdraw करना चाहती हैं कि? No. Are you sure? How will you complete all the challenges? Yes, inshallah, I will. देखें क्या किया आपने? Yeah, I tried my best. Let's see. स्ट्रगल कर रही है ना सायरा? Yeah, due to my weight. Due to your weight? Yeah. अच्छा. It was little. So you do know why you're struggling. तो वजन बड़ा मैटर करता है इस चीज के लिए? नहीं, समटाइम नहीं करता, बट इसमें ये इशू आ रहा था क्योंकि एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम साइनसाइटिस. उसकी वजह से पहले हम इतनी हाइट चढ़ के आए हुए थे, ब्रीदिंग मैंने ट्राई किया, मैं अपने आप को करूँ फिक्स करूँ कि मैं कर लूँगी. तो मैंने जितना मुझसे हो सका मैं उसको ट्राई किया अपना बेस्ट. सायरा वो पूछ नहीं रहे थे, वो आपको बता रहे थे कि वजन मैटर करता है. ओह गॉड सायरा, सो क्लमजी. Wearing a helmet, फिर वो double layer जो है ना वो आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा. Here I got stuck. Oh. See that wire? जब एक area आया और उसपे rope को खींचना था और वहाँ तक पहुँचना था और suddenly जो rope है वो मेरे पाँव में चली गई और जब वो खींची और मेरा पाँव फंस गया और उसकी वजह से मेरी पूरी जो skin है पाँव की वो उतर चुकी है. And she took off her shoes. इस पे लग गया था ना आपको, ये हो गया था ना? ये हो चुका है. हाँ, but she's not giving up. That's what's nice. She didn't care. जान से बढ़कर कोई चीज थोड़ी है यार. Wow, अब फिर भी wow. But that was good. Yeah, in spite of the injury. ये भी कर लिया यार. आई एम गुड सायरा मैन. सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स तो आपके पॉइंट्स ही हैं कि आपने उस हालत में कर लिया सब, जैसा तैसा भी किया. ये दिस आई वाज वांटिंग अदर्स टू डू कि जंप करके उस पर बैठे तो. Wow, Saira. Get a clapping from me to कि आपने खत्म कर लिया टास्क. Thanks to him. If he was not there, हाँ, तो मैं बहुत confused हो जाती. तो thank you so much. Right. So, oh my God. Assalamualaikum sir. Oh my God. Waalaikum assalam.
दिखाएं जरा चलें लेट्स सी कि आपने किस तरह परफॉर्म किया है दिखाइए जी God, Fakia, ye to, this is a disaster to watch. Ye to bilkul shuruaat mein he stumbled. Chale aage dekhe kya kiya. Helmet bhi dheela ho gaya hai. And for the audience, we're just being honest to the job that we are given. Hum log itne rude nahi hai. Achhe log hai na? To fikar ho gayi hai. Inko mujhe ये तक बताना पड़ा कि प्लीज आप अपना हेलमेट सीधा कर लें क्योंकि इनका विजन मुझे लगता है आधी आंख से देखनी थी है और ये शी वाज जस्ट गोइंग एट इट ओह गॉड ये स्टक हो गई है वहां पे God, fuck yeah, this is painful. मुझे तो देखना भी नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं I don't want to see this. जब ये खत्म हो जाए मुझे बुलाइए I'm sure she weighs just as much as Komal does. Same, matlab. Same weight. But height ज़्यादा है थोड़ी सी, वरना हाँ तो वो आप difference देखें. That is what the difference is. हाँ. चलो इसमें तो she made. I hope she makes it. लेकिन she's leaning back ना. No, she's gonna go back. No. नहीं, 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 नहीं. Oh God, what a struggle. I had to. There's some hope, little bit. आप गिरे नहीं थे आई कॉन्ट रिमेम्बर फाकिया कैसा लग रहा है फाकिया देख के अपनी परफॉर्मेंस मुझे बहुत बुरा नहीं लग रहा ठीक है इट्स नॉट परफेक्ट क्या बुरा नहीं लगा इसके अंदर मुझे मुझे पिन पॉइंट करें क्या चीज बुरी नहीं लगी इसमें आपको मेरी कोशिश और मेहनत मैं वो नहीं देख रहा क्या चीज बुरा नहीं लगा आपको इसमें आपकी कोशिश और मेहनत सबने की है जी जी आपको इसमें एक पर्टिकुलर चीज बता दे कौन सा टास्क जो ये पूरा करेंगे इसमें क्या चीज आपको बुरी नहीं लगी है आपका ग्राफ मैंने ये जाते हुए देखा है और आप वो एक कंटेस्टेंट थी जो बहुत प्रॉमिसिंग थी कोई मसला और बी ओपन अबाउट इट बात करो क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा डिस्कस करो जजेस से दे विल हेल्प यू विद सम प्रॉब्लम कि जो भी चैलेंज आता है मैं उसे अच्छे से फेस करूं अच्छे से लड़ूं आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यस ठीक है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू फाकिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आज हम ये दिखाएं क्या है गो Thank God, helmet is in place. Yeah. Oh, bacha. Close call, close call. Whoa. Whoa.
आपके गए थे ऑफिस सिर्फ कहाँ आपको मसला हुआ सिर्फ इसमें मसला हुआ बाकी सब स्मूथ था Okay, my favorite part of the whole task. Paon phas gaya. Chale. This bit as well. Good. You were all given these nice watches, right? है ना? और वो स्पोर्ट्स वॉच है ना? तो अपने आप को टाइम करते हुए मतलब अगर मैं कोई किसी कोई इस तरह का चीज कर रहा हूँगा सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि ओके दिस इज व्हेन आई एम स्टार्टिंग अच्छा दे हैड ये स्टॉप वॉच दे वर ऑल गिवन स्टॉप वॉच है दिखाए तो ये इस्तेमाल नहीं की उस वक्त नो इट वाज मोर ऑफ अ लुक थिंग व्हाट मेक यूज ऑफ इट ये है इंटेलिजेंस एक जूमर एक ने भी नहीं देखा जाए ठीक है थैंक यू गंजा डू वेल नेक्स्ट टाइम अच्छा जी यार मेरे तो आई थिंक आई हैव डिसाइडेड बिल्कुल सही आपने तो आई थिंक यार शी इज गोइंग होम शी इज गोइंग होम टुडे आई थिंक बहुत सारा इसमें खेल लिया यू हैव डिसाइडेड या वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान 2017 और मुझे इस वक्त इतनी हंसी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं क्योंकि सुबह जब ये लोग एडवेंचर चैलेंज पे जा रहे थे तो सबके चेहरे खिले हुए थे और आप प्लीज देखिए यही होता है हमेशा एडवेंचर एपिसोड में देखते ये है कि आज की कहानी क्या हुई है नाउ बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन आई वुड लाइक टू कॉल द टॉप टू ऑफ दिस चैलेंज एक तो है कोमल प्लीज स्टेप फॉरवर्ड ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस चलिए हमने एक कंटेस्टेंट बुलाई अपनी टॉप फोर से अब बुलाते हैं कंटेस्टेंट बॉटम फोर से तैयबा प्लीज स्टेप फॉरवर्ड तैयबा एक बार फिर आप बॉटम फोर में हैं हमारे जजेस आप क्या कहना चाहेंगे क्या किया तैयबा आपने क्या किया आपने तैयबा आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कहना है आपको लग रहा है कि हम आपके साथ सही कर रहे हैं मैंने अपनी तरफ से अच्छा दिया था लेकिन मेरा और आपका दोनों का नज़रिया अलग है देखने का मैं खुद जा रही हूँ जाहिर सी बात मुझे अच्छा लगेगा लेकिन आप जजेस हैं आपने चीज़ें नोट करनी होती हैं तो फिर आपने ठीक ही नोट किया होगा जो भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे पसंद आया आपका जवाब कि सबके नज़रिए डिफरेंट हो सकते हैं आपके ख्याल में आपको अच्छा लगा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आमना आप कुछ कहेंगी तैयबा आपने हमें हिला के रख दिया है यू वर फैंटास्टिक यू आर द चैलेंज विनर मान गया मैं क्या खेला है तुमने थैंक यू नॉट ओनली तुम्हारा टाइम कम था सबसे जबरदस्त टाइम और उतना ही ग्रेसफुल था मतलब आई कुड सी द स्ट्रेंथ एक चीज का जवाब जो फोकस हमने इस चैलेंज में देखा मतलब ये ठक 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 ऑब्स्टिकल पूरा गॉन खत्म तैयबा ऑर्गेनिकली वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट हरी मिस वीट पाकिस्तान का यही कॉन्सेप्ट है टू ब्रिंग योर पोटेंशियल फॉरवर्ड आपको तोड़ के आपके अंदर से वो इंसान बाहर निकालना है जिसके अंदर सारी एबिलिटीज मौजूद है कांग्रेचुलेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फिरोज प्लीज कम हियर एंड गिव टेंपो बाय वीट टू तैयबा There you go. Thank Congratulations. You were fantastic. Really impressed. और फिरोज आपके लिए सेंसेशन की तरफ से ये शानदार सा गिफ्ट है. Thank you. Please. Well done, Fairoz. Thank you so much. Thank you very much, judges. Thank you, Tayyeba. Congratulations.
और अब वो वक्त आया है जो इस एपिसोड का सबसे मुश्किल तरीन वक्त होता है जजेस के लिए भी और हमारे लिए भी, जब हमें अनाउंस करनी होती है वो कंटेस्टेंट जो कि एलिमिनेट होके आज पाकिस्तान वापस चली जाएगी। फाकिया प्लीज आगे आइए और निम्रा प्लीज आप भी आगे आइए। इस दफा बॉटम टू में ये दो कंटेस्टेंट्स हैं, निम्रा एंड फाकिया। जजेस मैं पूछना चाहूंगा, निम्रा बॉटम टू में क्यों, क्या किया ये? मजे की बात यह कि मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दोनों से। फॉर यू स्पेशली, आप तो तीन दफा बच चुकी हैं, लास्ट टू में आती रही हैं, क्या कर रही हैं आप? और आपने क्या किया जीतने के बाद? एकदम ऐसी डिप मारी है कि बस इट वाज डिप। अब मुझे कहीं पूरे उसमें दिमाग तो यूज होता नजर ही नहीं आया। हमने आप कुछ कहना चाहेंगी? आप रिजल्ट बता दें फौरन अब, ताकि लोग अपनी जगह पर आ जाएं। बिल्कुल सही। और इतने सारे चांसेस मिलने के बावजूद फाकिया यू गोइंग होम टुडे, निम्रा यू कैन टेक योर स्पॉट बैक, कांग्रेचुलेशंस, यू आर स्टिल इन मिस वीट पाकिस्तान। Thank you, Fakia. You can give a hug to your friends. But besides this, all of you are beautiful, all of you are strong, and there's everything that it needs you to be Miss Sweet. Just work hard. Just keep working hard. Well, it's a happy day for Tayyaba, ladies and gentlemen. It's a major leap. She's a challenge winner. Judges, thank you very much for being so great. Asfa, thank you so much. Feroze, thank you for gracing the show. The girls love you, man. We love you. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मिस स्वीट पाकिस्तान देखने का। फाकिया आज घर जा रही हैं, अगले हफ्ते कौन घर जाएगा ये जानने के लिए हमारा शो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और, आपके ईमेल्स और लेटर्स से हमारा और हमारी कंटेस्टेंट्स का और जजेस का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। इस सिलसिले को जारी रखिएगा, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। You're watching Miss Sweet Pakistan 2017. Good night. वीट में आने की जर्नी जो होती है वो सिर्फ शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लाइफ टाइम आपके साथ रहती है और पूरी लाइफ आप इससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मुझे मिला है झटका कि हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, सो वो मैं दूंगी पूरी लाइफ एंड बाकी चीज़ों पर भी। अगर आप लोग को लगता है कि मुझे एक और चांस मिलना चाहिए तो आप मेरे लिए वोट कर सकते हैं। मुझे वोट करने का तरीका ये है कि आप अपने SMS ऑप्शंस में जाइए, वीट लिखिए, स्पेस दीजिए और मेरा नाम लिखिए। मेरे नाम की स्पेलिंग है FAKIHA। ये लिखकर आप सेंड कर दीजिए 8797 पर और वो वोट मेरे लिए आ जाएगा। थैंक यू।